أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دس از ساجد لال فرام قاضی کرامر بوائز ہائی اسکول لاہور ہوپ یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ ویل ایٹ ہوم دس از چیپٹر نمبر 2 نروس سسٹم Our today's topic is nervous system coordination. Before going to discuss this lecture, let me give you a brief recap of the previous lecture, which is about spinal cord and nerves, voluntary and involuntary action, and the vertebral column. Spinal cord and nerves. Spinal cord and nerves की अगर बात की जाए, इसमें हमने बात की थी. The spinal cord start from the brain and extend through the vertebral कॉलम के स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है और वर्टिबल कॉलम तक तो जो है ये फैला हुआ होता है इट इज मेड अप ऑफ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इसमें 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स के होते हैं जो कि मैसेज को लेकर जाते हैं टुवर्ड द ब्रेन एंड टुवर्ड द बॉडी मतलब बॉडी से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से बॉडी की तरफ जो मैसेज लेकर जाते हैं वो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं इसी तरह से इट ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन हमने बात की थी ये स्पॉन्टेनियस जो है वो रिस्पॉन्स होते हैं बॉडी की तरफ से और उसके बाद यहाँ से हमने इसकी डेफिनेशन की थी रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स विच अकर आइदर ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई और नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन वॉलेंट्री एक्शन में हमने बात की थी ये ऐसे एक्शंस होते हैं जो कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं हमारे हम इनको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हमारा खाना हमारा पीना उठना बैठना ये सारे जितने भी एक्शन है ये सब के सब वॉलेंट्री एक्शन है इसी तरह से इनवॉलेंट्री एक्शन की अगर बात की जाए ये ऐसे एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते बॉडी इसे खुद कंट्रोल करती है फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिंग और स्वेटिंग मतलब पलकों का झपकना और पसीने का आना ये सारा जो प्रोसेस है इनवॉलेंट्री एक्शन आप चाहकर भी जो है इसे कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बाद हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो डिस्कस की थी जिसमें उसने कहा था क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्शन एज अ वर्क ऑफ सेंसरी और मोटर नर्व्स कुछ उसने एक्शंस बताए हमने आइडेंटिफाई करना था कि ये सेंसरी है या मोटर नर्व्स की वजह से है उसके बाद हमने वर्टिबल कॉलम की डेफिनेशन डिस्कस की थी वर्टिबल कॉलम कहते हैं बैकबोन को द वर्टिबल कॉलम आल्सो नोन एज बैकबोन आर स्पाइन पार्ट ऑफ द स्केलेटन It is the characteristics of vertebrae extending from the base of the skull to the tip of the tail. Vertebrae हमने कहा था interlocking bone होती है और ये characteristics है इसकी vertebral column की कि ये जो है skull की base start होता है और जो है tail की tip तक जो है ये मौजूद होता है. In human there are 33 vertebrae that fit together to form a flexible and tough column to support the back it also protect the spinal cord this is all about previous lecture now comes to our main topic which is nervous system coordination have you ever wondered how each organ knows what to do when you walk kehta hai ki aapko kabhi hairan ki nahi hui ki jab aap chalte hain to body ke har organ ko kis tarah se pata hota hai ki usne kya kaam karna hai the organs work by coordinating their efforts कहते हैं जो organs है एक दूसरे के साथ coordinate करके जो है अपना काम करते हैं this nervous coordination is brought about by means of nervous system ये जो nervous coordination है nervous system के जरिए perform किया जाता है the master control room nerves are developed to make sure body के अंदर nerves इसलिए बनाई गई हैं ताकि ये मेक श्योर कर सके इट इज एबल टू क्विकली कम्युनिकेट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको जो है वो तेजी से जो है वो कम्युनिकेट कराया जा सके उसके बाद नर्वस टिश्यूज की डेफिनेशन है और न्यूरॉन या नर्व सेल की द नर्वस सिस्टम इज कम्पोज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड नर्वस टिश्यूज कहता है जो नर्वस सिस्टम है वो एक खास किस्म के टिश्यूज से बना होता है जिसको कहा जाता है नर्वस टिश्यूज इसी तरह से द नर्व सेल और न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम नर्व सेल या न्यूरॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है
नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट जो है वो है न्यूरॉन। अ न्यूरॉन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल विच कैन जनरेट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। कहते हैं न्यूरॉन जो है एक खास किस्म का स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है, शुरू करता है। और नर्व इम्पल्स क्या है? न्यूरॉन या नर्व सेल जो सिग्नल की फॉर्म में मैसेज ट्रांसमिट करते हैं उसको नर्व इम्पल्स कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की दो टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी न्यूरॉन का क्या फंक्शन है कि वो मैसेज लेकर जाते हैं सेंस ऑर्गन से। और मोटर न्यूरॉन का क्या काम है? मोटर न्यूरॉन्स मेनली कम्युनिकेट विद मसल्स एंड ग्लैंड। मोटर न्यूरॉन जो है ब्रेन से मैसेज लेकर आते हैं टुवर्ड द मसल्स एंड ग्लैंड्स कि उन्होंने क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म। इसी तरह से अल्फा स्ट्रक्ट फाइल है। इफ वी लाइन अप ऑल द न्यूरॉन्स ऑफ द बॉडी इट वुड बी 600 माइल्स लॉन्ग। कहता है अगर हम बॉडी के जितने भी न्यूरॉन हैं सबको एक दूसरे से जोड़ दें तो उनका जो डिस्टेंस है वो 600 माइल्स बनता है। उसके बाद थिंकिंग एंड अप्लाइंग है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ वर्क ऑफ सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। उसने कुछ वर्क दिए नीचे, हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो काम किसने परफॉर्म करना है, सेंसरी न्यूरॉन ने या मोटर न्यूरॉन ने। आइडेंटिफाइंग फ्लेवर इन फूड। किसी भी फूड का जो फ्लेवर है वो आइडेंटिफाई करना ये किसका काम है? ये सेंस ऑर्गन का काम है जिसे हम टेस्ट कहते हैं। फीलिंग वार्म, गर्म महसूस करना ये भी सेंस ऑर्गन का काम है। लिफ्टिंग समथिंग हैवी, कोई हैवी चीज जो है वजनी चीज उठाना ये काम जो है वो मोटर न्यूरॉन का। ये मैंने ऊपर एस लिखा है, एस का मतलब है सेंसरी न्यूरॉन, और यहाँ पर भी जहां जहां एस लिखा है उसका मतलब है सेंसरी न्यूरॉन, और जहां एम लिखा होगा उसका मतलब है वो मोटर न्यूरॉन का काम है। लिफ्टिंग समथिंग हैवी, ये मोटर न्यूरॉन का काम है। ब्रेन की तरफ से मैसेज आता है तो आप किसी हैवी चीज को उठाएंगे। लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनना ये भी सेंस ऑर्गन का काम है। थ्रोइंग अ बॉल, किसी गेंद को दूर फेंकना ये भी मोटर न्यूरॉन की तरफ से मैसेज आएगा तो आप फेंकेंगे। उसके बाद ये आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, डायग्राम नजर आ रही है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर उन्होंने बताया हुआ है। बेसिकली इसके दो एंड होते हैं, एक एंड पर डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं और दूसरे एंड पर जो है टर्मिनल मौजूद होते हैं। और डेंड्राइट्स जिस एंड पर मौजूद होते हैं वहां पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको कहा जाता है सेल बॉडी। ये आपको जो अंदर की जगह नजर आ रही है ये सारी ये सेल बॉडी है, और ये जो ग्रीन इन कलर आपको नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है। और सेल बॉडी के बाहर जो है ये छोटे छोटे से उभार हैं हेयर लाइक, जिसको डेंड्राइट्स कहा जाता है, जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं। और इसी तरह से ये मैसेज रिसीव कर एक्सॉन तक पहुंचाते हैं, और यही एक्सॉन नेक्स्ट न्यूरॉन या नर्व सेल के सेल बॉडी से अटैच होता है और अपना मैसेज जो है वहां तक ये कन्वे करता है। और ये उसने एक्सॉन टर्मिनस दिखाए हुए हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये दो येलो बॉक्स के दरमियान का जो पॉइंट है इसे नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। और ये जो है आपको डार्क इन कलर जो सर्कल नजर आ रहा है ये शेवान सेल्स हैं, और ये येलो कलर जो है ये माई एलिन शीथ है। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं वो आपको याद करनी है। सेल बॉडी, द सेल बॉडी इज समवट राउंड एंड हैज हेयर लाइक एक्सटेंशन। कहता है जो सेल बॉडी है ये कुछ राउंड किस्म का एक स्ट्रक्चर है जिसमें छोटे छोटे एक्सटेंशंस हैं हेयर लाइक कॉल्ड डेंड्राइट्स, उसको डेंड्राइट्स कहा जाता है। दीज रिसीव द नर्व इम्पल्सेस, ये जो है नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं। इसी तरह से एक्सॉन है, इट इज द लॉन्ग नर्व फाइबर ऑफ अ न्यूरॉन, इट एंड्स इन अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल्स, दीज टर्मिनल्स रिले नर्व इम्पल्स। रिले नर्व इम्पल्स का मतलब ये है एक्सॉन टर्मिनल्स पर जो मैसेज पहुंच जाता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स उसको नेक्स्ट न्यूरॉन या नर्व सेल तक जो भेजना है उसको कहा जाता है रिले। मतलब टर्मिनल जो है रिले के तौर पर काम करते हैं, मैसेज को आगे ट्रांसफर करते हैं। माई एलन शीथ क्या है? देयर इज अ कवर अराउंड एक्सॉन विच इज कॉल्ड माई एलन शीथ।
The myelin sheath insulate the axon against the nerve impulse. ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ये myelin sheath है और इसने ये जो आपके पास पूरा एंड है ये एक्सॉन है. जो नर्व इम्पल्स है वो इन माइलिन शीथ से जो है वो नहीं गुजर सकती. तो नर्व इम्पल्स जो है यहाँ से जो मैसेज आएगा यहाँ से लेकर इस एंड तक वो जंप करेगा, क्योंकि ये जो आपके पास नोड ऑफ रेनवियर है यहाँ पर कोई माइलिन शीथ नहीं है. तो मैसेज यहाँ से यहाँ तक जंप करता है और उसके बाद यहाँ से जंप करेगा इस पॉइंट पर और इस पॉइंट से नेक्स्ट और फिर इस तरह से. तो मतलब माइलिन शीथ से जो है वो मैसेज ट्रेवल नहीं करता, बल्कि ये जो नोड ऑफ रेनवियर है यहाँ पर जो है मैसेज जो है वो ट्रांसफर होता है डायरेक्ट. तो माइलिन शीथ ने जो है एक्सॉन को जो है वो इंसुलेट किया हुआ है, कवर किया हुआ है. मैं आपको बता देता हूँ जो आपने याद करना है. ये फर्स्ट पैराग्राफ आपने याद नहीं करना है, इसमें कुछ खास है नहीं. यहाँ से ये नर्वस टिश्यू जो है, नर्वस टिश्यू की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने डेफिनेशंस कर लेनी है. उसके बाद जो है नर्व सेल्फ के मुतालिक है या न्यूरॉन, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है आपने. इसके साथ एडिशन आपने इस पैराग्राफ से करनी है, मतलब ये पैराग्राफ आपने मुकम्मल याद करना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक ग्लैंड्स तक, यहाँ से लेकर ये मुकम्मल पैराग्राफ करना. उसके साथ एक एमसीक्यूज आपने ये भी करना है. देन थिंकिंग एंड अप्लाइंग है, इसको आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद करना है. और ये एक डायग्राम है, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन. इसकी आपने घर में प्रैक्टिस करनी है कि इस डायग्राम को जो है वो किस तरह से बनाया जा सकता है. और यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं सेल बॉडी, एक्सॉन और माइलिन शीथ की. डिफाइन सेल बॉडी, डिफाइन एक्सॉन, डिफाइन माइलिन शीथ. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट करने हैं. एक्सॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको करना है और माइलिन शीथ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच.